चलिए स्टार्ट। अच्छा सप्तम, आज पहला पाठ है। पहले पाठ में जो है चित्र को देख करके अभ्यास है पढ़ने का। संस्कृत में तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक का ज्ञान कराने के लिए एक वचन होता है, जैसे बालक पढ़ता है, बालकः पठति। दो का ज्ञान कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, बालको पठता, दो बालक पढ़ते। और दो से अधिक, चाहे 10, 50, 100, 1000 जो भी हो, वो सब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। बालक पढ़ते हैं, बालका पठन, उसी आधार को लेकर के पहला पाठ जो है पुनरावलोकन चित्र के माध्यम से जो है बताया गया। मुनि ही आश्रमे निवसति। मुनि आश्रमे माने आश्रम में, सप्तम विभक्ति एक वचन में पै पर चिन्ह होता है, आश्रम में, निवसति माने रहता है, मुनि आश्रम में रहता है, एक वचन। वस धातु रहने अर्थ में प्रयोग की जाती है, निउपसर्ग लगता है तो निवसति माने रहता है। मुनि आश्रमे निवसतः द्विवचन, दो मुनि आश्रम में रहते। मुनयः आश्रमे निवसन्ति। मुनयः माने बहुत से मुनि आश्रम में निवसन्ति माने रहते। गुरु शिष्यान पाठयति। गुरु माने गुरु, शिष्यान माने शिष्यों को, पाठयति माने पढ़ाता है। गुरु कुट्याम, गुरु कुट्याम निवसतः, दो गुरु कुटिया में रहते हैं। गुरुवः योगाभ्यासं, योगाभ्यासं कुर्वन्ति। गुरु योग का अभ्यास करते हैं। पिता फलं ददाति। पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः। पिता फलों को देता है और पितरः फलानि ददति। पिता फलों को देते। नदी प्रवदः प्रवहति। नदी बहती है। नद्यौ प्रवहतः, दो नदियाँ बहती हैं। नद्याः प्रवहन्ति, बहुत सी नदियाँ बहती हैं। धेनु पश्यति, गाय पश्यति माने देखती है। धेनु पश्यतः, दो गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, गायें खेत में चरती हैं। माता जलम आनेति, माता जल आनेति माने लाती है। मातरौ जलम आनयतः, दो माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति, बहुत सी माताएं जल लाती हैं। दधि पात्रे अस्ति, दही पात्र में है। दधनी पात्रयोः अस्तः, दही दो पात्रों में। दधीन पात्रेषु सन्ति, दही बहुत से पात्रों में। मधु पुष्पेश भवति, शहद फूलों में होती है। मधुनी पात्रे अस्तः, शहद पात्रों में है, दो पात्रों में है। और मधुनी मधुकोशेषु सन्ति, शहद मधुकोशेषु माने मधुमक्खियों के छत्तों में सन्ति माने हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में रहता है। मुनि आश्रमे निवसतः, दो मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति, बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। गुरु कुट्याम निवसतः, गुरु कुटिया में रहते हैं। गुरुवः योगाभ्यासं कुर्वन्ति, गुरु योग का अभ्यास करते हैं। पिता फलं ददाति, पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः, पिता फलों को देता है। पितरः फलानि ददति, और पिता फलों को देते हैं। नदी प्रवहति, नदी बहती है। नद्यौ प्रवहतः,
दो नदियाँ बहती हैं, नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सी नदियाँ बहती हैं। धेनुः पश्यति, गाय देखती है, धेनुः पश्यतः, दो गायें देखती हैं, धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, गाय क्षेत्रों में खेतों में चरती है। माता जलम आनयति, माता जल लाती है, मातरौ जलम आनयतः, दो माताएँ जल लाती हैं, मात्रा जलम आनयन्ति, बहुत सी माताएँ जल लाती हैं। दधि पात्रे अस्ति, दही पात्र में है, दधिनी पात्रे अवस्था, दही दो पात्रों में है, दधीनी पात्रे सुसंति, दही पात्रों में है। मधु पुष्पेशु भवति, शहद फूलों में होती है, मधुनी पात्रे अवस्था, शहद पात्रों में है, और मधुनी मधुकोशेशु सन्ति, शहद मधुमक्खियों के छत्ते में है। अब इसके बाद इसका अभ्यास करना है। एक पद में उत्तर है, वैसे एक पद में उत्तर का प्रश्न है, फलम कह ददा, फलम कह ददा, इसका उत्तर हो जाएगा फलम पिता ददा, फलानि के ददन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा फलानि पितरः ददति। ददति गा मुनयः पुत्र निवसन्ति, शिष्यान कह पाठे, उत्तर हो जाएगा कमिट हो गई।